अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महेंद्रगढ़ में दो दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बाद भी नहीं बन पाया महेंद्रगढ़ रोडवेज बसों का सब डिपो। आज महेंद्रगढ़ बस स्टैंड के अंदर सामाजिक कार्यकर्ता राम निवास पाटोदा व कैलाश पालड़ी और धर्मपाल पाएगा की अध्यक्षता में महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। राम निवास पाटोदा का कहना था कि सब डिपो बनने को लेकर वर्ष 2014 में 27 जुलाई को नगर के आईटीआई मैदान में रैली के दौरान तत्काल मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तथा 2016 में नगर की सब्जी मंडी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी सब डिपो बनने को लेकर शिलान्यास किया, लेकिन दोनों मुख्यमंत्रियों की घोषणा आज तक घोषणा ही बनी हुई है। भिवानी में तीन तीन बस डिपो लोहारो तो शाम दादरी थे, परंतु आज दादरी को पूर्ण डिपो का दर्जा दिया गया है। इससे लगता है कि वर्तमान सरकार भी महेंद्रगढ़ के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। सब डिपो की फाइल चंडीगढ़ में धूल फांक रही है और सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि एक महीने के समय के अंदर अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमें चक्का जाम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस बीच अगर कोई घटना घटती है तो उसकी सारी जवाबदारी हरियाणा सरकार की होगी। समाज से भी बड़े ही दुख और अफसोस का विषय है कि पिछले 4 साल से हम लगातार इस बस के सब डिपो की मांग कर रहे हैं, परंतु सरकार के कानों पे अब तक जू नहीं रंगी है। अब 2014 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा ने आईटीआई में घोषणा की थी कि सब डिपो का निर्माण किया जाएगा और 2016 में माननीय मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर घोषणा भी की थी और आधारशिला भी रखी गई थी, आधारशिला का पत्थर भी लगा हुआ है। परंतु बड़ा ही अफसोस है कि यहाँ राजनीतिक कारणों के कारण, द्वेष के कारण आज तक सब डिपो का निर्माण नहीं हुआ है। इससे चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अगर शीघ्र ही हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और सरकार को सब डिपो बनाने के लिए मजबूर कर देंगे। यहाँ के बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा और हमारे को सुविधा मिलेगी। धन्यवाद। हमारे पटौदा समाज सेवी, हम सब डिपो के लिए 4 साल से मांगे कर रहे हैं। आज तक इस सरकार ने हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है। हमारे पड़ोसी जिला भिवानी के पास एक साथ तीन तीन सब डिपो बनाए गए, लोहारू, तोशाम और दादरी। दादरी को सब डिपो का पूरा दर्जा दे दिया गया। हमारे को सब डिपो के लिए भी यहाँ कोई भी योजना आज तक वो फाइल चंडीगढ़ में जो उसने दबी हुई है, हमने शिक्षा मंत्री को जब भी यहाँ आते हैं हम कहते हैं कि हमारा सब डिपो फूक गया। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जल्दी खुलेगा। लगभग 4 साल हमारे बीत लिए, अब हमें ये भी नहीं पता कि ये कब खुलेगा। अब हम आज एक दिन का जो धरना दिया है, अगर सरकार एक महीने का अल्टीमेट देते हैं, अगर सरकार नहीं जागी तो पूरे महेंद्रगढ़ क्षेत्रवासी सब सारा सामाजिक संगठन यहाँ रोड जाम करेगा और बड़ा जन आंदोलन करेगा। उसमें जो भी नुकसान होगा सरकार खुद जिम्मेवार होगी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। पब्लिक अब मजबूरन, क्योंकि यहाँ से महेंद्रगढ़ से दिल्ली के लिए कोई बस नहीं, जयपुर के लिए 4 बस हैं, चंडीगढ़ के लिए 4 बस हैं और हमारे क्षेत्र के लोग रात दिन मजबूरी ने जो उसने ट्रेनों और यातायात के साधन बहुत कम है। इसलिए हमारी मुख्य मांग है कि जल्दी से जल्दी महेंद्रगढ़ को सब डिपो बनाया जाए। महेंद्रगढ़ से दिनेश यादव की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।